नमस्कार है दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी भाइयों का और बहनों का और दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में, किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय इंडिया देश के अंदर एक रिक्रूटमेंट चल रहा है जो कि SSC द्वारा चल रहा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, जो कि है JHT और JT और इसके अलावा SHT यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर, इसके अलावा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। मतलब ये होगा कि इसमें जो लोग रिक्रूट होंगे उनका बेसिकली ट्रांसलेटर का काम होगा, उनको जो है लैंग्वेज से हिंदी ट्रांसलेटर होंगे, मतलब कि किसी भाषा से उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है उस चीज़ को, जो यानी कि JHT और JT और SHT, ये जैसी ये जो है तीन तरह की पोस्टें हैं, इसके ऊपर रिक्रूटमेंट चल रहा है इंडिया देश में। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम हो चुका है आप लोगों का, 23 वालों के लिए ये वीडियो लाया गया है कि आप लोगों का फाइनल वैकेंसी JHT 23 वालों का आ गया है। इसके अलावा ऑप्शन प्रेफरेंस कि भाई किस पोस्ट पे, जैसे कि आपको याद है कि जब आप फॉर्म भर रहे थे JHT 23 में, इंडिया देश के SSC द्वारा रिक्रूटमेंट्स के लिए, जो कि पूरे इंडिया देश के मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑफिसेज में जिसमें भी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी JHT और JT और SHT की 23 ईयर में, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है फाइनल रिजल्ट से पहले। आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है आप लोगों का, ठीक है, 23 वालों का, और अब इनका क्या है, फाइनल रिजल्ट देना है SSC को। SSC फाइनल रिजल्ट से पहले आप लोगों का कट ऑफ जिसमें देगा, वो रिजल्ट के अंदर कट ऑफ और लिस्ट कौन कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं, उससे पहले वो आपका एक चीज़ निकालेंगे, एक नोटिस निकालते हैं, जो कि होता है OCPF यानी कि ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, यानी वो लोगों को जो लोगों ने फॉर्म भरे थे इस रिक्रूटमेंट पे, एग्जाम देकर आ गए, ठीक है, वेल एंड गुड है, बट उन लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि भाई कौन सा पोस्ट चाहिए आप लोगों को, इनमें से आपको प्रेफरेंस देना है, कौन से पोस्ट को किस विभाग में आपको चाहिए, उसके लिए आप लोगों को प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा। तो उसके लिए नोटिस आ चुका है SSC वेबसाइट पर, ये परसों आ गया था, मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 24 फरवरी को, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस पूरे वीडियो को। आप इंडिया देश में हरियाणा से हो, कर्नाटका से हो, केरला से हो, असम से हो, वेस्ट बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, तेलंगाना से हो, या किसी भी यूटी और किसी भी स्टेट से हो पूरे इंडिया देश में, तो आपके लिए वीडियो इससे ज़्यादा कोई खास कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों का JHT, JT और SHT का रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ फाइनल वैकेंसी आउट कर दिया है SSC ने, जिसके अंदर फाइनल वैकेंसी में आपका जो है वैकेंसियाँ कम हो गई हैं। टोटल जब नोटिफिकेशन आया था तब जो वैकेंसियाँ थी उसमें से कम हो चली हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर ये भी है कि आपका ऑप्शन फॉर्म दे दिया गया है कि भाई आप अपना ऑप्शन फॉर्म भर लो, ये फॉर्म 28 तारीख तक रहेगा, तो फॉर्म भर लेना सभी लोग प्रेफरेंस वाला, ये भरने के बाद ही आप लोगों के हिसाब से फिर वो SSC डिसाइड करेगा कि भाई लोगों ने ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म डाल दिए, हमें ऑप्शन फॉर्म मिल गए, अब SSC को क्या करना होगा, प्रेफरेंस फॉर्म आप लोगों के जैसे उनको एक्सेप्ट हो जाते हैं उसके बाद वो एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे जिसमें बताएंगे कि किस नाम के कैंडिडेट को कौन सा जो है डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है उसके प्रेफरेंस के हिसाब से। उसके हिसाब से ये भी बताएंगे कि किन लोगों ने इसमें एक्चुअल में पास कराया इस रिजल्ट को, जो कि फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा, और उस रिजल्ट के नोटिस के कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका एक्चुअल मार्क्स आ जाएंगे सभी लोगों के कि भाई किसने पास कराया किसने नहीं कराया, उसके मार्क्स भी आ जाएंगे। तो जल्द ही आने वाला है इसका रिजल्ट भी, 1 वीक के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। यानी मैं आपको एक अप्रोक्स आइडिया देता हूँ कि 4 मार्च तक आप लोग आसानी से इसका फाइनल रिजल्ट जरूर देख पाओगे, जो कि इसी वेबसाइट पर आएगा, जो कि SSC का नया वेबसाइट है। नए वेबसाइट के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और नए वेबसाइट के लिए OTR भी मैंने करवा दिया है, आप लोगों को याद हो तो वीडियो देख लेना, और 2 से 1 दिन में आप लोगों को इंडिया देश के दिल्ली में SI और CAPF के SI की रिक्रूटमेंट जल्दी आएगी। SI मतलब सब इंस्पेक्टर डबल स्टार इन द यूनिफॉर्म ऑफ पुलिस एंड द CAPF फोर्सेज, मतलब ये है कि जो इंडिया देश में 7 फोर्सेज आज के समय पर काम कर रही हैं CAPF के अंदर, जिसमें आपका CISF, BSF, ITBP, SSF और भी जो 7 फोर्सेज आ रहे हैं पूरे इंडिया देश में, उसके अंदर जो CAPF के अंदर SI रिक्रूटमेंट होगा, उसके अलावा आपका दिल्ली पुलिस के अंदर यानी कि इंडिया देश के दिल्ली जगह पर जो है SI रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें लगभग 100-200 वैकेंसी आती हैं SI दिल्ली में, और बाकी CAPF की बहुत वैकेंसी आती है जो कि पिछले रिक्रूटमेंट के हिसाब से। तो 2024 वाले रेडी हो जाए, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस में CA आपको जाना है दिल्ली पुलिस में जाना है या फिर आपको CAPF के SI में जाना है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन कन्फर्मेशन मैं आपको देता हूँ भाई 1 वीक के अंदर। 1 वीक तो फिर भी एक बहुत लास्ट टाइम बता रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट मैं मैक्स टू मैक्स टाइम बता रहा हूँ, 1 वीक के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा आपका फेज 12 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। अभी जो लोग नए हैं आपको बता दूँ, SSC दोस्तों इंडिया देश में एक ऐसा कमीशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, जो कि पर ईयर 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ पूरे साल में निकाल देते हैं, रिक्रूटमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसेज हैं उसके अंदर रिक्रूट करके जॉब दे देते हैं, जो कि 1 लाख प्लस पूरे साल में निकाल दी जाती हैं। तो आप लोग अगर इंडिया देश में एम कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, तो इससे बढ़िया मौके आपके लिए हो नहीं सकते हैं। इसमें लोगों के 10th पास, 10th 12th
और ग्रेजुएट पीएचडी मास्टर्स और इसके अलावा उनके 8th पास तक की वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं पर ईयर में। और इसके लिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप इतना याद रखें, इंडिया देश के सिटीजन ही इन वैकेंसियों को ले सकते हैं या फिर वो लोग ले सकते हैं जो कि दूसरे देश से इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड है, वही सब लोग इस वैकेंसियों को ले सकते हैं। तो सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस होगी भाई कि JHT से जुड़े हुए दो नोटिस आए हैं, एक ऑप्शन फॉर्म और एक फाइनल वैकेंसी का, वो सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग नए हो, JHT रिक्रूटमेंट कैसे होता है, क्या होता है पोस्ट, इस पर काम क्या होता है, सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया था बहुत पहले ही, तो उसको जाकर जरूर चेक कर ले। ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म क्या होता है वो इस वीडियो में आप जान लेंगे आसानी से, तो सारी चीज़ें समझें। और ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, लॉगिन पर जाना होगा, यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर लॉगिन कर जाना। हालांकि आप लोगों को ऑप्शन फॉर्म के लिए लॉगिन आप यहाँ से करोगे ना, आप देखिए आप लोगों के लिए ये है कि पिछले वेबसाइट पे लोगों का लॉगिन था, ठीक है, तो उस वेबसाइट उस लॉगिन पे आप मत जाओ, अब यहाँ पे एक लॉगिन करोगे, यहाँ पर अपना प्रीवियस डिटेल्स डालकर लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद ऑप्शन फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट पिछले वाले वेबसाइट से चल रहा था, आपको इतना याद होना चाहिए। तो आपका जहाँ से भी लॉगिन हो पा रहा है और जहाँ भी आपको ऑप्शन फॉर्म मिल रहा है वहाँ से डाल दें। ये ना सोचे कि अगर आप यहाँ लॉगिन कर रहे हो तो आपका डेटा ही नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वेबसाइट तो नहीं है, यहाँ पर तो लॉगिन आपका होगा ही नहीं क्योंकि आपने प्रीवियस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा था ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसा जरूर करें कि यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लें अलग से, और दूसरा आपका जो प्रीवियस लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन आईडीज और नंबर्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो प्रीवियस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके देखें, अगर वहां प्रेफरेंस फॉर्म आ रहा है तो वहीं से डाल दें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में डिस्कशन होगा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपका SI रिक्रूटमेंट 23 वालों का जो है क्वेश्चन पेपर और फाइनल आंसर की आ चुकी है और सभी लोगों के मार्क्स आ गए हैं, जिसके भी आप आपका SI रिक्रूटमेंट का रिजल्ट दिया था कुछ दिन पहले दिया था, आपको मैंने बताया था सारा कुछ। इसके अलावा फाइनल मार्क्स स्टीनो ग्रेड सी और डी के भी आ चुके हैं, तो वो लोग भी अपने देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रिक्रूटमेंट्स के SSC जितने रिक्रूटमेंट पूरे इंडिया देश में कर देता है पूरे साल में, उसमें वो पहले रिजल्ट देता है फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के कुछ दिनों बाद ही वो एक्चुअल मार्क्स देता है सभी लोगों के, चाहे वो जिन लोगों ने पास करा हो एग्जाम या नहीं करा हो, उनके मार्क्स वो फाइनल मार्क्स देता है फाइनल रिजल्ट के बाद। पहले रिजल्ट दिए जाते हैं, फिर लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, पता लग जाता है फाइनल रिजल्ट में कौन लोग सिलेक्ट हुए कौन नहीं, और जो नहीं होते हैं उन लोगों का भी मार्क्स, और जो हो जाते हैं सभी के मार्क्स अलग से बाद में आ जाते हैं जो रिजल्ट के कुछ समय के अंदर 1-2 वीक के अंदर आ जाते हैं। अगर नहीं पता तो आज आपने समझ लिया होगा कि रिजल्ट के 10 दिन में मार्क्स आते हैं आप लोगों के फाइनल में, तो SI का आ चुका है और इसमें स्टीनो का भी आ गया, ये दोनों आप लोग देख सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर चीज़ें चेक करनी होंगी, तो इसके लिए वीडियो सेपरेट नहीं आएगा, यहीं पर आप समझ सकते हो। बाकी हम JHT वालों के लिए बात करने आए हैं इस वीडियो में, हम चलेंगे डायरेक्ट आगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये एक ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म से जुड़ा हुआ नोटिस है कि कह रहे हैं कि ऑप्शन फॉर्म भर दो अपना JHT, JT और SHT के लिए, कैंडिडेट जिन्होंने भी इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई किया था जो कि 22 अगस्त 2023 में आ गया था, तो उनसे कह रहे हैं अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर दो। जो लोगों ने भी पेपर 2 इस रिक्रूटमेंट का दिया है JHT वालों का, पेपर 2 देकर जो भी लोग आए हैं ऑप्शन फॉर्म भर दो इसके अंदर। आपको बताना चाहता हूं अपने लॉगिन करके आप लोग फॉर्म भर सकते हो उसके अंदर, वेयर इन अ टैब ऑफ, वहां पर आपको एक टैब मिल जाएगा ऑप्शन प्रेफरेंस का, उसके अंदर जाके अपना डाल सकते हो उसमें प्रेफरेंस। मैं आपको बता दूं दोस्तों, परसों यानी कि 22 तारीख से इसमें ओपन हो चुका है प्रेफरेंस फॉर्म, ये 26 तारीख को क्लोज हो जाएगा, 28 नहीं है इसमें 26 है, आपको अभी भी 2 दिन है इसके अंदर, यानी अभी भी आपके पास 50 आवर्स के करीब है इसमें प्रेफरेंस फॉर्म डालने के। आप देखिए इन्होंने ये बोला है कि आप प्रेफरेंस फॉर्म जरूर डालें, नहीं डालोगे तो वैकेंसियां नहीं मिलती हैं आप लोगों को। थोड़ा आगे चलूंगा, कैंडिडेट प्लीज आल्सो नोट दैट कि अगर वो प्रेफरेंस रिवाइड ओनली ड्यूरिंग द दिए हुए समय में ही वो अपने प्रेफरेंस दे दे। प्रेफरेंस होता क्या है, लोग काफी ज्यादा डाउट में है भाई, जिस वैकेंसी को आपने फॉर्म भरा है, जिसका एग्जाम देकर आए हो, उसके लिए आपको ये बताना है कि कौन सा पोस्ट किस विभाग में आपको पहले चाहिए, फिर कौन सी पोस्ट दूसरे नंबर पर चाहिए, फिर तीसरे नंबर पर चाहिए और किस किस विभाग में चाहिए, बस इतनी सी बात है। इसको आप लोगों को डाल देना होता है फॉर्म भर के, इसी को कह देते हैं ऑप्शन प्रेफरेंस। अगर कैंडिडेट इसको नहीं देता है तो कहीं ना कहीं वो भले ही रिक्रूटमेंट का अच्छा एग्जाम देकर आ जाए, पास कर जाए, लेकिन उसको ये वैकेंसियां नहीं मिलती हैं क्योंकि वो प्रेफरेंस नहीं दे रहा, वो नहीं बता रहा कि मेरे को कौन से विभाग में कौन से पोस्ट को चाहिए, तो उसको फिर वो नहीं मिलती है, ठीक है। डिसेबिलिटी वालों को इंश्योर करना है कि उनको प्रेफरेंस उन्हीं पर देना है जिन पोस्ट पर उनको एलिजिबल रखा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, डिसेबिलिटी वाले हर पोस्ट पर एलिजिबल नहीं होते, कुछ ही पोस्टें ऐसी होती है जो उनके लिए होती हैं, तो उनको प्रेफरेंस देखना पड़ेगा। फाइनल वैकेंसी में आप लोग जाओगे, नोटिस में जो फाइनल वैकेंसी आप लोगों का इसके आ गया है, उसमें आप लोग डिसेबिलिटी वाले देखें कि किस पोस्ट पर आपका वैकेंसी दिया है। जिस पोस्ट पर आपका वैकेंसी दिया है, इसका मतलब आप उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते थे, इसका मतलब यही है कि आप लोग उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस डाल सकते हो। नहीं तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जो आपका 22 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था JHT का 23 ईयर में, उसके लिए आप लोगों को उस पर जाना होगा नोटिस पे, उस नोटिस में आपको दिख जाएगा कि डिसेबिलिटी वालों के लिए कौन कौन सी सुटेबल पोस्ट हैं, ठीक है। वो नोटिस पूरा फाइल में दिया होता है, उसको एक बार चेक करें और अगर आपके लिए एप्लीकेबल होता है तो जरूर अपना प्रेफरेंस डालें, लेकिन डिसेबिलिटी वाले सारे पोस्ट पे नहीं
नहीं डालेंगे, अगर डालोगे तो वहाँ गलती पाई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो फिर आपको नहीं देंगे कोई पोस्ट, ठीक है। अगर आपको वैकेंसियाँ चाहिए तो आपको जो अपना प्रेफरेंस देना है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के हिसाब से देना होगा, जो नोटिफिकेशन वाले फाइल में आपका था उसके लिए आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हो, वो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया था मैंने, ठीक है। एलोकेशन ऑफ पोस्ट विल बी मेड ऑफ, ठीक है, वही सारी बातें लिखी हैं, तो आपकी प्रेफरेंस के बिहाफ पर ही आप लोगों को पोस्टें मिलती हैं, हालांकि आपका सारी एलोकेशन आपके बिहाफ पर नहीं मिलता, आपको एसएससी ये भी देखता है कि भाई इसके जो मार्क्स हैं उसी हिसाब से इसको प्रेफरेंस के हिसाब से इसको वो पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो विभाग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेफरेंस से ही डिसाइड हो जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस इससे मांगिए कि कैंडिडेट का इंटरेस्ट पता लगे और कहीं ना कहीं फिर हम उसको इंटरेस्ट के हिसाब से उसकी वैकेंसी दे दें, ये एक तरीका लगाया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपके जो सेक्रेटरी हैं एसएससी के, उनके द्वारा ये हेडक्वार्टर इनका जो है वहां से परसों नोटिस आ गया था, तो मैंने आपको पूरा नोटिस इस वीडियो में दे दिया है। ये आपका जो नोटिस था एक ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म का था। अब ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म दिखता कैसे, ये तो एक कॉपी है, एक एग्जाम्पल है, ये एक्चुअल ऑप्शन फॉर्म नहीं है। इस तरीके का ही दिखेगा जब आप लोग जाओगे वेबसाइट पर लॉग इन करके, प्रीवियस वाले वेबसाइट से लॉग इन करोगे वहां फॉर्म दिख जाएगा, वहीं से जमा कर पा रहे हो तो कर लेना, इस वाले से तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता है कि इस वाले में लॉग इन, इस वाले में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन एक नया ओटीआर बनेगा आप होगा जो कि इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि ये चीज हो चुकी है, तो इस वजह से आपको प्रीवियस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट डालोगे, रोल नंबर डालोगे, आपको इस तरीके से दिखेगा, पोस्ट कोड दिखेंगे जैसे कि J01 से लेकर 2345 67, इस तरीके से। J01 मतलब था JHT का पोस्ट था जो कि आप लोगों का डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी में जा रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अंदर JHT जा रहा था, सेम JHT का JTO पोस्ट जो था वो आपका DGSH यानी कि मिनिस्ट्री हेल्थ और फैमिली में जो आता उसके अंदर जा रहा था। और इसी के अलावा जूनियर ट्रांसलेटर जो था कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में CAG में जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप लोग सारी चीजें इस तरीके से देख सकते हो कि कौन सा पोस्ट को, कौन सी पोस्ट का नाम जो है उसको किस पोस्ट कोड को दिया गया। बेसिकली यह है कि पोस्ट कोड यह डिसाइड करेगा कि आपको प्रेफरेंस दोगे, जब आप प्रेफरेंस दोगे तो वहां पर अपना पोस्ट कोड डालोगे, पूरा पोस्ट का नाम नहीं डालना है। जैसे सपोज किसी कैंडिडेट को CAG में पहले जाना है तो J04 डालेगा, फिर उसको लगता है कि उसको जाना है कस्टमर अफेयर्स में जाना है तो वो J08 देगा सेकंड नंबर पे, इस तरीके से प्रेफरेंस दे सकता है वो, उसको ये राइट है। देखिए जो लोग डिसेबल्ड नहीं है वो लोग हर पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी वालों को इतना याद रखना है कि उनको कुछ पोस्टों पे प्रेफरेंस देने का अलाउड नहीं है क्योंकि वो उनके लिए वैकेंसियाँ जो है उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं लगती है, क्योंकि आपको पता है डिसेबिलिटी अलग अलग तरह की होती है। अब हर डिसेबिलिटी वाले को हर तरीके का पोस्ट भी नहीं दिया जा सकता, जहाँ पर ऐसा काम होगा कि उसको कुछ देखकर करना होगा तो वहाँ पर ब्लाइंड और लो विजन वाले को वैकेंसी नहीं दी जा सकती, आप भी समझते हो, वही सारी बातें हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि डिसेबिलिटी वाले अपनी जरूर अलग से नोटिफिकेशन वाले फाइल पे जाओ, जो 22 अगस्त का आया था उसमें आपको मिल जाएगा कि आपकी कौन सी वो है प्रेफरेंस, आपको कौन सी रखनी है। अभी आपका ये डाउट रहेगा कि भाई डिसेबिलिटी वालों को कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए नोटिफिकेशन वाला फाइल उठाएं, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही सब था, आगे मैं बढ़ूंगा। इसमें इन्होंने SHT और ST वालों का दिए रखा है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। आपका इस तरीके से रहेगा, देखो इस तरीके से पूरा टेबल सा रहेगा, वहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस दोगे और इस तरीके से आपको दिख जाएगा वहाँ पे। डिक्लेरेशन में याद रखें दोस्तों, जो प्रेफरेंस आपके द्वारा दी जा रही है उसको आप जो है 26 तारीख के रात तक चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, और उसके बाद आपको जमा करना होगा। तो इस तरीके से जमा कर लेंगे, ये पूरा फॉर्मेट इस तरीके का ही दिखेगा प्रेफरेंस का, आपको इस तरीके से डालना होगा, ये आपको मिल जाएगा SSC के वेबसाइट से लॉगिन करते ही, आपको वहाँ पर जहाँ से आप रिजल्ट देखने जाते हो लॉगिन करते ही उसी तरीके से वहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म मिल जाता है, तो वहाँ से अपना प्रेफरेंस फॉर्म डाला जा सकता है आपके द्वारा। तो एक बार मैं लोगों के लिए यहाँ चलूँगा कि मैं लोगों को एक बार दिखाना चाहूँ। देखिए मैं यहाँ आ गया हूँ वेबसाइट पे, मैं प्रीवियस वेबसाइट पे था हूँ मतलब अभी, और मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखा रहा हूँ प्रीवियस वेबसाइट पे कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है वो चीज़ या नहीं दिख रही, तो एक बार हम उस चीज़ को देख लेते हैं भाई। आपके लिए, आप सभी के लिए एक बार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस चीज़ को, तो एक थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया यूज़र नंबर डाल दिया है, यूज़र नेम डाल दिया है, और ये पासवर्ड डाल दिया हमने इसके आगे। अब हम ये जो है लॉगिन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक बार लॉगिन करते हैं दोस्तों, ये देखिए लॉगिन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, दोबारा से लॉगिन करेंगे हम यहाँ पे।
तो देखिए हम यहाँ पर लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, इस वेबसाइट पर हम लोग जो है लॉग इन अब नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पुरानी वेबसाइट है दोस्तों। पुरानी वेबसाइट पर हम लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमको नई वेबसाइट पर लॉग इन करना पड़ेगा क्या? एक बार हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमको यहीं लॉग इन करना पड़ेगा। तो एक बार हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीवियस जो है वेबसाइट से एक बार उठाना पड़ेगा डिटेल्स को। एक बार हम यहाँ से उठाएंगे सारा कुछ, ठीक है। और हम आपके लिए एक बार आएंगे इधर दोबारा से, यहाँ पर आ जाते हैं और हम इसमें डालते हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, एक बार पासवर्ड डालते हैं। अब हम एक बार लॉगिन करते हैं दोस्तों, तो कह रहे हैं इनवैलिड, ठीक है। तो मतलब क्योंकि हमने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं किया इस वेबसाइट पे, सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोगों को एक बार पुरानी वाले वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को डालकर लॉगिन करेंगे और वहाँ पे ऑप्शन फॉर्म मिल जाएगा। क्योंकि मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी यहाँ डिटेल है नहीं। आप लोगों ने तो एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आप लोग अपने डिटेल्स को डालकर लॉगिन करोगे, प्रेफरेंस फॉर्म अपना जरूर डालना, नहीं तो आपको ये वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो यही बता रहा था मैं इस वीडियो में कि आपका प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है, तो उसके बारे में अपना सारा कुछ समझ लिया है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे अगली बात पे। अगली बात हमारी रहेगी स्टेट वाइज़ की, भाई पूरे इंडिया में जितने भी राज्य और जितनी भी जोन वाइज़ ये वैकेंसी दी गई थी उसके हिसाब से SSC के पास डेटा नहीं आया है। SSC के पास जो डेटा आया है वो यहाँ पर आया है कि किस विभाग में कैटेगरी वाइज़ कितनी वैकेंसी है वो लोग बता रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब एक एक राज्य और एक एक जोन वाइज़ वैकेंसी नहीं दी है यहाँ पर। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो वैकेंसी दी है वो कौन सा पोस्ट किस विभाग में किस कैटेगरी वाली कितनी वैकेंसियों में रिक्रूट करेगा वो उसका फाइनल वैकेंसी दे दिया है SSC ने। तो आपको बता दूं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में टोटल वैकेंसी आप लोगों की 5 आई है, 5 में से डिसेबिलिटी वाली एक ही है और बाकी SC की 2 है, और जनरल में एक भी वैकेंसी नहीं है इसमें, OBC में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। तो ये फाइनल है, ये वैकेंसी अब फाइनल है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग रीड कर लेना कौन कौन सी पोस्ट किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी आई है। तो अगर आप लोग बात करो तो पहले जो नोटिफिकेशन जब आया था तब ये वैकेंसी करीबन 306 के करीब थी वैकेंसियां जब नोटिफिकेशन दिया गया था, और अब ये वैकेंसियों की संख्या कम हो चली है। अब ये संख्या टोटल हो गई है 296, यानी कि वैकेंसियां घट गई हैं। अब टोटली 296 लोग JHT और ST और इसके अलावा SHT जैसे पोस्ट पर रिक्रूट होंगे, जो कि आप लोगों को सब कुछ पता ही है कि किस किस विभाग में वैकेंसियाँ आई थी। इसका नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हुआ था तो मैंने पूरा फाइल डिस्कस कर दिया है। ये वैकेंसियाँ पहले 306 थी और अब 296 हुई हैं, तो वैकेंसियाँ कम हुई हैं लेकिन ये वैकेंसियाँ फाइनल हैं, ठीक है। तो SSC का डेटा जो आया है मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई आपका डाउट रह जाए JHT वालों का, ट्रांसलेटर वालों का, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया के लोगों तक, और प्रेफरेंस फॉर्म समय से डाल दें। इसी तरीके से फॉर्म डलते हैं प्रेफरेंस के JHT और SHT और JT जैसे पोस्ट पर। उम्मीद है भाई सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिल रहे हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।